हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, ये वैकेंसी आपकी आई है दोस्तों एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये पुणे और महाराष्ट्र में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाले हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है, यानी दोस्तों आपको 19 अप्रैल को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना होगा। कौन सी जगह आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और क्या फॉर्म में आपको भरना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो पद बता देता हूँ मैं आपके के लिए कि कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं। तो रैंप सेवा कार्यकारी, यूटिलिटी एजेंट से रैंप ड्राइवर की, सहायक और सहायिकाओं यानी दोस्तों हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की वैकेंसी ये रहने वाली है। वैकेंसी भी दोस्तों ज़बरदस्त आई है, यानी 178 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी फिलअप की जा रही है। तो दोस्तों बढ़िया ये मौका आपके पास रहने वाला है। इसके अंतर्गत इसके अलावा अगर आपने दोस्तों अभी तक CRPF नोएडा का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा तो वो भी ज़रूर भरिए, क्योंकि उसके अंतर्गत आया हेडमास्टर और टीचरों की वैकेंसियां आई है। जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों मैं अभी बता दूंगा कि ये फॉर्म आपको कहां से मिलने वाला है। बात करें दोस्तों पद कितने कितने किस में आए हैं तो वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हैंडी वुमेन के लिए 30 पद है, हैंडी मैन के लिए 119 पद है, और यूटिलिटी से है रैंप ड्राइवर के लिए 17 पद है, और एग्जीक्यूटिव के लिए 12 पद इसमें रहने वाले हैं। हैंडी मैन के लिए और हैंडी वुमेन के लिए 18,800 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी, और दोस्तों रैंप ड्राइवर के लिए 21,000 सैलरी आपको दी जाएगी। इन तीनों पोस्ट जो नीचे वाली है उनके लिए दोस्तों 10वीं पास आपका होना चाहिए। ड्राइवर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो दोस्तों इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। वहीं आप हैंडी मैन और हैंडी वुमेन की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने लिखने का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जाना कहाँ होगा वो देख लीजिए। तो जाना आपको पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 33, लेन नंबर 14, टिंगरे नगर, पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको 10th 12th की मार्कशीट लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। साथ ही साथ इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जो रंगीन बैकग्राउंड में हो वो आपको लेके जाना हो। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आपको किसी पद से संबंधित है और आप आवश्यक मानते हैं उसको तभी लेके उसको जाना होगा। इस लिफाफे के ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना, यानी लिफाफा आपको लेके नहीं जाना है। लेकिन आपको दोस्तों सबसे मेन है कि आपको फॉर्म कहाँ मिलने वाला है। तो दोस्तों जो आपको मैं बता रहा था CRPF नोएडा का, और दोस्तों ये दोनों आपको फॉर्म www.rozgarprakash.com से मिल जाएंगे। यहाँ से जाके आप दोनों के फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों उसको भर के साथ में लेके जाना होगा अगर आप एयरपोर्ट की नौकरी करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी तैयार करना होगा जो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के पक्ष में दे होगा। इसके अलावा SC ST और एक्स सर्विसमैन को इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो इस वैकेंसी में कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और जो भी आपका कोई भी शख्स सवाल हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपका अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।